भर्तुर्मित्रं प्रियामाविधवे वेद्धि मामं। बोलना भर्तुः मित्रं, तुम्हारे भर्ता का मैं मित्र हूँ, ऐसा बोलना। पहला शब्द भर्ता ही बोलना, इसलिए कि उनके भर्ता नहीं है। और जिसके भर्ता नहीं, मान लो वो पति बोले कोई उसके सामने, जिसका पति घर में नहीं है, तो सबसे पहला शब्द यक्ष बताता है, पहले ये बोलना कि भर तो हो। जब भर तो बोलोगे तो लक्ष, अरे हमारा पति, मेरा पति हस्बैंड किधर है, फिर बोलो, बोल देना भर्ता नहीं, भर्तु का मित्र। क्या बोल देना? भर्ता ना सही, भर्ता का फ्रेंड ही सही। क्या बोलना पहले? पहले भर्तु बोलना और फिर तुरंत ही बोल देना मित्रम। भर्तुर्मित्रम् प्रियम्। और कुछ लोग केवल हाथ मिलाओ मित्र होते हैं, हेलो हाय मित्र है, नहीं प्रियम मित्रम। ये बोलना तुम्हारे भर्तु का, तुम्हारे पति का, मैं प्रियम मित्रम, मैं प्रिय मित्र हूँ उसका। ये पहला परिचय देना। ये नहीं कि पहले, अरे पहले परिचय दो, को आए, कहे का आया है, कहाँ से आया है, कहे हमारे उहमा चढ़े बैठते हैं, टूट न जाएगा वाच, उहमा से उतर पड़ो, कहे भीतर पानी फेंकते लाग है, सोई लागन मारियाँ खचर खचर, को आए है। बोले यहीं से शुरू करना, परिचय देना। क्या बोले? भर्तुर्मित्रम् प्रियम्। तो भर्तु प्रियम मित्रम ऐसा बोलना और फिर बोलना अविधवे। ये संबोधन है। ये क्या है? अविधवे, रमा का रमे, बालिका का बालिके, और अविधवा का हे अविधवे ना, अर्थात जो विधवा, मतलब माने तुम्हारा पति। केवल अविधवा संबोधन कर दोगे वो समझ जाएगी कि अविधवा तभी हो जब विधवा कम होता है कोई, जब पति ना रहे। और अविधवे कह करके वो क्या बता दिया? हाँ, तो बोले अविधवे, अब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, अविधवे से ही बहुत सारी बात पता चल गई। फिर भी बोलना कि मैं तुम्हारे भर्ता का प्रिय मित्र हूँ, और माम मुझको अम्बुवाहम विद्धि, मुझको बादल समझो, मैं बादल हूँ, मैं बादल हूँ, मैं मेघ हूँ। अम्बु माने जल, वाहम माने वहन करने वाला, जो जल को वहन करे वो अम्बुवाह है, और अम्बुवाह माने बादल मेघ। बोले मैं क्लाउड हूँ, क्लाउडम विद्धि, क्या बोलते हैं इसको? तो वो बोलता है अम्बुवाहम, मैं तो जल वहन करता हूँ, पर आजकल संदेश वाहम, पर आजकल एक एक्स्ट्रा काम भी ले लिया हूँ। क्या ना? वैसे तो मैं जल वहन करता हूँ, अपने साथ जल को ढोता हूँ, जल लेता हूँ साथ में, पर ऐसे कभी कोई दीन दुखियारी मिल जाए तो उसका संदेशा भी लेके चला आता हूँ। तो भर्तुर्मित्रम् प्रियमाविधवे वेद्धि मामं अम्बुवा। क्या क्या बोलना है ये सब यक्ष बता रहा है, सब बताना है। पहले बोलना कि मैं आपके भर्ता का प्रिय मित्र हूँ, फिर अविधवा बोलना कि तुम विधवा नहीं हो, फिर बोलना कि मैं बादल हूँ, मुझको बादल समझिए, मैं कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं हूँ, क्या हूँ? हाँ। अब बोले तत्संदेश हृदय निहित आगतम तत्संदेश आगतम त्वत्समीपम्। मैं आया हूँ त्वत् माने तुम्हारे समीपम, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्यों? बोले तत्संदेश, उनके संदेशों को कहाँ रखा हूँ संदेश? दिल में निहित। हृदय माने दिल, ये संदेश ही ऐसा है जो दिमाग में नहीं रखा जा सकता। दिमाग की चीजें भूल सकती हैं, दिल की चीजें कभी नहीं भूलती हैं। बोलो हाँ। इसीलिए कोई दिमाग चुरा के नहीं भागती,
आप क्या बोलते, मेरा दिल चुरा के ले गई, हौले हौले। जिसका दिल चोरी हो गया दिमाग अपने आप उसके पास जाएगा, नोट कर लो, बात 100% की है। किसी को देना हो तो दिमाग देना, दिल नहीं। और यदि कोई दिल लेके गया, दिमाग उधर ही जाएगा। बोलो हाँ या ना। दिल लेके चला गया था दुष्यंत शकुंतला का, तो दिमाग नहीं था आश्रम में। बोलो, दिमाग चला जाएगा, काम बच जाएगा। इसलिए कहा कि उनके संदेशों को मैं हृदय निहित कहाँ रखा हूं, हृदय सब भूल जाएगा, पर दिल में जो है वो कभी नहीं भूलती ना भूलता। बोलो हाँ। इसलिए पढ़ाई कैसी की जाए, बोले जो दिल में उतर जाए, जो दिमाग में रहेगा तो भूल जाएगा, जो दिल में धस जाएगा तो 80 साल बाद भी याद आएगा। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आए तो इसको बोलना इसको। इसलिए हृदय निहित ही कहा। क्या कहा भाई साहब, समय कम है, नहीं तो एक एक श्लोक में ना एक एक दिन तुमको तैराते और मजा आता। बोलो हाँ। तो परीक्षा 8 मार्च के है, इसलिए हम भी आगे आगे बढ़ रहे हैं। क्या कालिदास लिखते हैं, गुरु जब मैं घर में बैठता, आज सुबह 9 बजे नहा धोकर के बैठ गया, पढ़ रहा था, श्रीमती जी बोली कि आज घर में है भी तब हो ये किताब। ये तो हमारी सबत हो गई। ये कभी कभी कहते कि इससे अच्छा हम किताबें होते, कम से कम देखते तो। उनको क्या पता कि जो रस इसमें है मैडम, तत्संदेश हृदय मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उनका संदेशा हृदय में रख के आया हूँ। क्या बात बोली यक्ष ने, कहा कि ऐसा जाके बोलना कि तत्संदेश, उनके संदेशों को कहाँ रखा हूँ, हृदय निहित। और हृदय में रख के, उनके संदेशों को मैं हृदय में रख के, आगतम त्वासं यो वृंदाने त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषित हैं। और पथि माने रास्ते में, श्राम्यतम माने थके हुए हैं, ऐसे पथिकों को मैं त्वरयति, मैं उनको जल्दीवाता हूँ। वो कहता है मेरा काम क्या है, बोले मेरा काम यह है कि जो रास्ते में अपनी प्रियतमाओं से मिलने के लिए रास्तों में पथिक हैं और बैठ करके कहीं सुस्ता रहे होते हैं, तो मैं गरज करके, बरस करके और घूमड़ उमड़ करके उनको यह याद दिलाता हूँ कि जल्दी जाओ, आपकी प्रियतमा आपको याद कर रही हैं। ऐसे वृंद, ऐसे पूरे समूह को, ऐसा जो ऐसे पूरे समूह को मैं क्या करता हूँ, त्वरयति। पथि माने मार्ग में, श्राम्यताम माने जो श्रम करने के कारण थक थक जाते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, ऐसे प्रोषितानाम, श्राम्यताम प्रोषितानाम त्वरयति, मैं ऐसे थके हुए पथिकों को जल्दवाता हूँ, शीघ्रता करने के लिए कहता हूँ। और कैसे, बोले मद्रश्निग्धै ध्वनि भीरा बोला मद्रास्निक, बड़ी मंद और स्निग्ध ध्वनि से, मंद और स्निग्ध ध्वनि भी ही ध्वनियों से, अबला वेणी मोक्षोत्सुकानी, जो अपनी अपनी अबलाओं के, जो अपनी अपनी प्रियतमाओं के वेणी को खोलने के लिए उत्सुक हैं, अर्थात जो अपनी अपनी प्रियतमाओं से मिलने के इच्छुक हैं, उत्सुक हैं, उनको मैं और शीघ्रता से घर भेजने का प्रयास करता हूँ। ये माई वर्क, दिस इज माई वर्क, मेरा काम यही है। मैं खुद अपनी विद्युत के साथ हमेशा रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी अपनी पत्नी के साथ रहे, इसीलिए मैं रास्ते में विश्राम कर रहे सभी पथिकों को जल्दी से, जो पथिक कैसे हैं, बोलो जी अबला अबला वेणी मोक्षोत्सुकानी, अबलाओं की वेणी माने ये वेणी चोटी को, जो अब ये अभी आपको पीछे बताया कि जो पथिक होते हैं, पहले नियम ये था कि अपनी श्रीमती जी के जब आप जाते हैं तो आपके ही हाथों से उनकी वेणी खुलती थी, तभी उस वेणी में उस बालों की फिर साज सज्जा हुआ करती थी, नहीं तो प्रीतम नहीं है तो कोई साज सज्जा नहीं होती थी, ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यता है। इसीलिए कहा मद्रस्निग्धै ही ध्वनि भी,
थोड़ी मंद मंद मधुर मधुर ध्वनि के द्वारा मैं यह काम करता हूँ कि जो अबलाओं की वेणियों को खोलने के इच्छुक वृंद हैं, समूह हैं, उन पूरे समूह को मैं शीघ्रता से घर भेजने के लिए प्रयास करता हूँ कि सब लोग जा जा करके अपनी पत्नियों के वेणी को खोलें। और उसी संदर्भ में मैं आगतम त्वात्स, अब यदि मेरी चलती तो तुम्हारे वाले को भी मैं घर भेज देता, पर तुम्हारे साथ कंडीशन है, एक साल वो नहीं आ सकता। वो नहीं आ सकता था इसलिए उसके बदले मैं भर्तुर्मित्रम प्रियमावीर। तो कोई ये सोच सकता था ना कि भाई ठीक है, तुम भेजने का काम करते थे तो हमारे प्रियतम को ही भेज देते। बोले भेज देते तब तो हम भेज ही देते, असल में भेज नहीं सकते थे, एक साल का श्राप है, वो आ नहीं सकता है। तो कम से कम वो आ नहीं सकते तो हम तो आकर के उनका संदेशा दे दे, इसीलिए मैं आया हूँ। मेरा काम ही यही है कि प्रियतम को प्रियतमाओं से मिलाना या प्रियतमाओं को प्रियतम से मिलाना। इसीलिए मैं मंद मंद गर्जना से, मंद मंद ध्वनियों से बरसात की सूचना देने लगता हूँ ताकि आप सावन के महीने में जो लोग बम्बई सूरत कमाए रहे हों घर जाएं। बोलो हाँ, ले लो अपनी नौकरी, लाखों का सामान जाए, याद है ना क्या क्या है, ले लो अपनी नौकरी मेरा सामान। में कोई नहीं रुकता और सामान आने की सूचना कौन देता है? और मेघ कहता क्या है, ये सावन की फुहारों से, इस हरियाली से कि गुरु निकल लो, निकल लो और जाओ, यही तो कह रहा है। इसी श्लोक में यही उसने कहा कि मेरा काम ही यही है और मुझको तुम अपने प्रियतम का प्रिय मित्र जानो। मैं बादल हूँ, अपना पूरा परिचय देता है कि मैं भर्तुर मित्रम प्रियम, और आप अविधवा हो, विधवा नहीं हो, माम अम्बुवाहम विद्धि, मुझको बादल समझिए। और मैं उनका संदेशा हृदय में रख कर के आपके पास आया हूँ और मेरा काम ही है कि जो प्रियतम से मिलने के लिए उत्सुक होते हैं उनको जल्दी से जल्दी मैं प्रियतमों से मिलाता हूँ। आगे के श्लोक